फ्रेंड्स, हम लोग अब स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम में हाथ के ऊपर बॉडी के ऑर्गन कैसे प्लॉट करते हैं ये देख रहे हैं। तो ऑर्गन प्लॉट करने के लिए कुछ रेफरेंस लाइन को यूज़ करते हैं, हाथ के ऊपर कुछ रेफरेंस लाइन, जैसे ज्योग्राफिकल मैप में अल्टीट्यूड और लॉन्जिट्यूड की रेखाएँ रहती है, वैसे हाथ के ऊपर भी कुछ रेफरेंस लाइन बनाते हैं और जिन रेफरेंस लाइन को रेफरेंस पकड़ के हम ऑर्गन कौन सा ऑर्गन कहाँ तक हो सकता है, उसकी उसकी व्याप्ति कहाँ तक होती है तो ये हम देखते हैं रेफरेंस लाइन के साथ। तो रेफरेंस लाइन के लिए कुछ लाइंस हम इम्पोर्टेंट, एक लाइन आपको मालूम है, ये दो कलर का डिफरेंस दिखने वाली लाइन को, इस लाइन को हम बोलते हैं इन यांग बॉर्डर, इन यांग लाइन, ये इन यांग लाइन है, ये इन पार्ट है, ये यांग पार्ट है, उसको जोड़ने वाली ये जो लाइन है इन यांग लाइन, ये सभी फिंगर्स के ऊपर, ये इन यांग बॉर्डर, ये भी है अपना इन यांग बॉर्डर लाइन, ये इन पार्ट, ये यांग पार्ट। तो ये अंगूठे पे भी इन यांग बॉर्डर लाइन ये दिख रही है, इन यांग बॉर्डर लाइन, ये इन यांग बॉर्डर लाइन, यानी साइड बॉर्डर, साइड बॉर्डर है, ये साइड बॉर्डर है, ये दिख रही है बॉडी की भी, ये बॉडी का फ्रंट पार्ट इन पार्ट और ये बॉडी का यांग पार्ट, तो उसको दोनों के बीच में ये इन यांग बॉर्डर लाइन, बॉडी की भी बॉर्डर लाइन, ये एक हो गई लाइन। बाद में अभी सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो सेंट्रल लाइन हम देख रहे हैं, सेंट्रल लाइन, तो उसको इन पार्ट में उसकी शुरुआत हम यहाँ कर रहे हैं टिप ऑफ द थंब, उधर से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। सेंट्रल लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ टिप ऑफ द फिंगर से, यहाँ से टिप ऑफ द थंब से मैं डिवाइड करूँगा, ये थंब को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सेंटर लाइन उसकी है, सेंटर लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेंटर लाइन ये मैंने ड्रॉ की टिप ऑफ द थंब से, टिप ऑफ द थंब से हम ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये सेंटर लाइन, फ्रंट सेंटर लाइन है, ये ऐसे सेंटर लाइन, ये यहाँ जो नेक है, नेक के अपर फोल्ड तक आ गए हम, बाद में नेक के अपर फोल्ड से ये आ गए सेंटर से ही, दोनों इक्वल पार्ट कर रहे, दो बाजू में इक्वल पार्ट, ये आ गए ये लोअर फोल्ड, ये मैं फोल्ड कर रहा हूँ, ये लोअर फोल्ड का भी मिड पॉइंट यहाँ तक आ गई है सेंट्रल लाइन, यानी अपने बॉडी में ये हेड से टिप ऑफ दी वर्टेक्स से आ गई है लाइन, ये सेंटर लाइन चेहरे से आ गई, यहाँ नाक हो सकता है अपना बराबर, या नाक दोनों बाजू में आँखें हो सकती है, ऐसे करके ये आ गई, ये गले में अपर फोल्ड से ये नीचे आ गई नेक से, और नेक की लोअर फोल्ड है यहाँ तक आ गई, तो ये सेंटर लाइन यहाँ तक आ गई। अभी यहाँ से ये चेस्ट एरिया है, चेस्ट एरिया में भी ये सेंट्रल लाइन, और ये जो है ये एब्डोमिनल डायफ्राम बोलते हैं, ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम का मिड पॉइंट चेस्ट, ये गले के अपर फोल्ड के मिड पॉइंट से ये लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और ये एब्डोमिनल डायफ्राम का मिड पॉइंट यहाँ तक आ गए हम, एब्डोमिनल डायफ्राम का मिड पॉइंट, यानी यहाँ अपने चेस्ट का स्टर्नम बोन का भी जीपी स्टर्नम बोलते हैं वो यहाँ आता है, तो एब्डोमिनल डायफ्राम का ये मिड पॉइंट है, ये यहाँ हो गया एब्डोमिनल डायफ्राम का मिड पॉइंट, और यहाँ से अभी एब्डोमिन एरिया, इसको भी लेफ्ट राइट में इक्वल दो हाफ में ये डिवाइड करने वाली है सेंट्रल लाइन, आगे बढ़ रही है ये सेंट्रल लाइन, यहाँ से ऐसे आगे बढ़ के ये दोनों पैर के बीच में, दो फिंगर्स के बीच में गई है सेंट्रल लाइन, तो ये सेंट्रल लाइन एक मेन लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं हमने देखा। अभी हम देख रहे हैं ये सेंट्रल लाइन के साथ एब्डोमिन में, इसके साथ ये जो दो हाफ पार्ट किए उसके और भी इक्वल दो हाफ पार्ट, हर एक पार्ट के दो इक्वल हाफ पार्ट बनाएंगे, तो ये राइट पार्ट है, ये मेरा लेफ्ट पार्ट है, तो ये राइट पार्ट के भी दो इक्वल हाफ बनाएंगे, तो उसके लिए ये दो फिंगर के बीच से ये और यहाँ से ये जोड़ने वाली लाइन, ये लाइन निकाल रहे हैं हम लोग, तो इससे क्या हो गया, ये दो इक्वल ब्रेड के दो पार्ट मिल गए, लेफ्ट ये राइट हाफ के और हाफ हाफ बन गए, तो ये लाइन मैंने खींच ली, इस लाइन को बोलते हैं नीपल लाइन या मिड क्लेविकुलर लाइन बोलते हैं, ये अपने
क्लेविकल बोन का, यहाँ क्लेविकल बोन है, ये क्लेविकल बोन का मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट से निकलती ये लाइन चेस्ट से नीचे आ गई। चेस्ट से नीचे आने के बाद यहाँ बीच में निपल आएगा, चेस्ट के उस पार्ट, उस साइड का निपल, निपल से भी ये नीचे आ रही है और ये यहाँ आके यहाँ से ये नीचे जाती है एब्डोमिन से। तो ये मिड क्लेविकुलर लाइन या उसको निपल लाइन बोलते हैं, ये एब्डोमिन के ऊपर हम खींचते हैं इसको। हाँ, तो इस लाइन से ये दो इक्वल पार्ट बन गए। वैसे अभी लेफ्ट हाफ जो पार्ट है, लेफ्ट हाफ के भी दो इक्वल पार्ट बनाने के लिए ये मैंने ये लाइन जो खींच ली, ये भी लाइन कौन सी है, मिड क्लेविकुलर लाइन या निपल लाइन बोलते हैं। तो एब्डोमिन के 1, 2, 3, 4 पार्ट बन गए, चार इक्वल ब्रेथ वाले पार्ट बन गए, चार पार्ट। और ये रेफरेंस लाइन, ये सेंट्रल लाइन, ये मिड क्लेविकुलर लाइन दो मिल गई है आपको। इसको ही निपल लाइन बोलते हैं, निपल से नीचे आ रही है लाइन है, ये निपल से नीचे आने वाली लाइन। तो ये होगी, तो ये रेफरेंस लाइन। और ऐसे पीछे जो रेफरेंस लाइन है, पीछे वाली रेफरेंस लाइन, हम एक ही लाइन निकाल रहे हैं, तो ये वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स से पीछे की तरफ, ये हम यहाँ से ये नेक से नीचे आ गए, हम ये नेक से नीचे आ गए। तो यहाँ हम आते हैं सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा, हमने देखा है सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ये उभरी हुई हड्डी जो है, हाँ, तो यहाँ तक आ गए। और हाँ, इसके बाद में ये जो ये बोन है, इसको हम मेटाकार्पल बोन बोलते हैं। तो मेटाकार्पल बोन का ये सेंटर लाइन, उसके ऊपर भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये मेटाकार्पल बोन यहाँ ख़त्म होता है, यहाँ ख़त्म होता है, वहाँ तक आ गए। जहाँ ख़त्म होता है वो अकॉर्डिंग टू चेस्ट, चेस्ट के हिसाब से ये, इसको डायफ्राम बोलते हैं। और आगे फ्रंट में वही डायफ्राम हम लाइफ लाइन के ऊपर ले रहे हैं, ये जो लाइफ लाइन है उसके ऊपर ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम ये इन साइड में ये डायफ्राम है, और वही डायफ्राम बैक साइड में यानी यांग साइड में ये डायफ्राम लाइन है, ये डायफ्राम है। तो ये डायफ्राम लाइन बन गई। जो लाइन यहाँ मैं खींच रहा हूँ ये हो गई ये रिस्ट वाली, जो एब्डोमिनल डायफ्राम, एब्डोमिनल डायफ्राम। तो ये एब्डोमिनल डायफ्राम यहाँ बन रहा है, एब्डोमिनल डायफ्राम, ये एब्डोमिनल डायफ्राम बन गया। एब्डोमिनल डायफ्राम जो यहाँ से आप देख रहे थे एब्डोमिनल डायफ्राम, वो ये एब्डोमिनल डायफ्राम। और एब्डोमिनल डायफ्राम से उसका सेंटर पॉइंट लेके, उसका सेंटर पॉइंट ये दो फिंगर के बीच में, दो फिंगर यानी दो लेग्स है उसके बीच में ये जोड़ने वाली, इसका सेंटर पॉइंट और ये बीच वाली लाइन, ये जोड़ने वाली ये बैक सेंट्रल लाइन होगी, बैक सेंट्रल लाइन। तो ये फ्रंट सेंट्रल लाइन, ये फ्रंट सेंट्रल लाइन, ये ऊपर तक ये फ्रंट सेंट्रल लाइन और ये बैक सेंट्रल लाइन, बैक सेंट्रल लाइन। तो बैक सेंट्रल लाइन यहाँ, बाद में ये बैक सेंट्रल लाइन यहाँ से फिर निकल रही। तो अभी इससे हम लोग कोई भी जो ऑर्गन प्लॉट करते हैं, तो ये सेंट्रल लाइन से कितनी दूरी तक वो ऑर्गन है, ये हम यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये हो गए वर्टिकल, हमने ये रेफरेंस लाइन निकाली, और इसमें ये जो है इसको हम डायफ्राम बोलते हैं, चेस्ट अकॉर्डिंग टू चेस्ट वर्टिक, ये डायफ्राम देखे। और ये एब्डोमिन अकॉर्डिंग टू एब्डोमिन, एब्डोमिन से देखते हुए ये डायफ्राम है। तो दो डायफ्राम यहाँ हम देख रहे हैं, बॉडी के अंदर एक ही डायफ्राम है या दो डायफ्राम, इन साइड में दो डायफ्राम देख रहे हैं, यांग साइड में भी ये एक डायफ्राम और ये वाला एब्डोमिनल डायफ्राम, ये वाला चेस्ट वाला डायफ्राम। अबाउ डायफ्राम की जब बात होती है तो ये डायफ्राम यूज़ करते हैं, ये अबाउ डायफ्राम के लिए ये डायफ्राम यूज़ करते हैं, बिलो डायफ्राम के लिए ये डायफ्राम की लाइन यूज़ करते हैं। तो ये हो गए हम लोग रेफरेंस लाइन, कैसे वर्टिकल रेफरेंस लाइन्स हो गए। अभी हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन में क्या करेंगे हम। तो ये जो एब्डोमिन के लिए कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, तो ये जो एब्डोमिन की ये जो सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी ये तीन मंजिला इमारत, तीन फ्लोर वाली इमारत बोलते हैं हम लोग, बिल्डिंग है। तो इसको हम क्या करेंगे, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके लिए दो बीच में दो पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस, हाँ, एक समान दूरी के ऊपर दो पॉइंट करेंगे हम लोग। तो समझो ये एक, हाँ, ये दूसरा और ये तीसरा, तीन इक्वल पार्ट में बना रहा हूँ ये। तो उसके लिए मैं यहाँ एक पॉइंट किया, यहाँ एक पॉइंट किया, तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये तीन इक्वल पार्ट बन गए।
हाँ, तो तीन इक्वल पार्ट में मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने निकाली, ये लास्ट वाली है, तो ये एक दो तीन इक्वल पार्ट बन गए। तो ये अपर फ्लोर, ये मिडल फ्लोर और ये लोअर फ्लोर। अभी कोई भी ऑर्गन जब प्लॉट करेंगे एब्डोमिन के, तो हमें ये समझ में आ जाएगा अपर फ्लोर पे कौन से ऑर्गन हैं। तो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है और स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, ये अपर फ्लोर पे। बाद में यहाँ डिओडिनम है, इस लाइन में यहाँ डिओडिनम है, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये मिडल फ्लोर और लोअर फ्लोर में ये सब है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ राइट साइड में आके ये मिड क्लेविकुलर लाइन के यहाँ से ये अपर, ये लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है। बाद में ये यहाँ से असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन करके यहाँ दो पैर के बीच में पीछे एनस की तरफ जाता है। ये तो ये एब्डोमिनल की, और यहाँ अपने यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, लेडीज में यूटेरस है, जेंट्स में वहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है, और दो इसके लेडीज में ओवरीज, ये रेफरेंस लाइन पकड़ के कहाँ होते हैं ये आप, आपके जो भी टीचर है वो आपको, आपको लेक्चर आपको बताएगा कि कैसे हम प्लॉट करते हैं अपने ऑर्गन्स को। यहाँ भी ऑर्गन, यहाँ भी थायराइड को कितना एरिया थायराइड का है, यहाँ चेस्ट के अंदर भी हार्ट का एरिया किधर है, ये लाइन के रेफरेंस से हार्ट का एरिया किधर तक आता है, और लंग्स कैसे होते हैं। बाद में इसका जो लंग में जो ट्रैकिया ब्रोंकस में डिवीजन होता है वो ये सेंट्रल लाइन पे कहाँ तक आता है, ये सब आपके लेक्चरर आपको बता सकते हैं। तो इस रेफरेंस लाइंस को आप समझ लीजिए, और सुजोक के ट्रेनिंग के, सुजोक और एक्यूपंक्चर के ट्रेनिंग के मेरे लेक्चर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, एडवांस और बेसिक, एडवांस सब तरह के सुजोक और एक्यूपंक्चर के मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू रहते हैं। आप कांटेक्ट करके आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।